ओके प्यारे बच्चों, शुरू करता हूँ दोबारा। हाँ, तो मैं कह रहा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर इसमें क्या कर दो, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब कोई बच्चा बोले सर ये टोटल कॉस्ट निकल आई, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ये एज्यूम किया था क्या डी एम प्लस डी एल प्लस एफ ओ एच, और क्या नहीं लिखा हुआ यहाँ पे बताओ। यहाँ क्या नहीं लिखा हुआ, प्लस डब्ल्यू आई पी ओपनिंग माइनस डब्ल्यू आई पी एंडिंग यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसी तरह टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले में भी दो नाम नहीं लिखे हुए, पता है क्या क्या, किसी को पता है क्या नाम नहीं लिखे हुए यहाँ, और वो गिवन हो तो वो लिखने पड़ेंगे, मेरे ख्याल मैं ही बता दूं। सर ट्रांसपोर्टेशन? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाता है, क्या ख्याल है, या नहीं लिखा हुआ फिनिश गुड्स ओपनिंग माइनस फिनिश गुड्स एंडिंग प्लस फिनिश गुड्स ओपनिंग माइनस फिनिश गुड्स एंडिंग, इसका मतलब है टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले में फिनिश गुड्स ओपनिंग के बैलेंस को प्लस भी करना होगा, फिनिश गुड्स एंडिंग को माइनस भी करना होगा। ओके, तो बस अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सुनाता हूँ पूरा ब्रेक करके, आप ध्यान से सुनिएगा, सही है, नहीं समझ आया बोलना सर समझा। सबसे पहले डीएम प्लस डीएल जी मेरा बेटा, डीएम प्लस डीएल प्लस एफ ओ एच, फिर प्लस करेंगे अगर डब्ल्यू आई पी ओपनिंग दिया हुआ हो, माइनस करेंगे डब्ल्यू आई पी एंडिंग दिया हुआ हो, फिर प्लस करेंगे जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस, और फिर प्लस करेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, और फिर प्लस करेंगे अगर दिया हुआ हो फिनिश गुड्स ओपनिंग, और माइनस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग अगर दिया हुआ हो। तो ये सब करने के बाद जो जवाब आएगा उसका नाम होगा टोटल कॉस्ट। समझ आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब पता है फायदा क्या होगा इस टोटल कॉस्ट निकालने का? टोटल कॉस्ट निकालने का फायदा ये होता है प्यारे बच्चों कि हम एक काम करने के काबिल हो जाते हैं बड़े मजे से बैठे बैठे, और वो क्या है, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं आपको यूं कह दूं तो शायद आप मेरी बात ज्यादा जल्दी पिक कर लें। अगर मैं अपने क्लास के बच्चों को ये कह दूं कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज है ना सारे, ये बुनियादी तौर पर आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के तमाम चीजों को सम अप करके हमने फॉर्मूलाज में बंद कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो आए आगे बात करता हूं। अगर आप यहां देखें तो मैं लिखना चाह रहा था नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, और कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कोई इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूलाज की शक्ल में काम करना चाहते हैं, अगर वो आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है कंप्यूट नेट प्रॉफिट, कंप्यूट सीजीएम, कंप्यूट वर्क कॉस्ट, कंप्यूट प्रोडक्ट कॉस्ट, कंप्यूट कन्वर्जन कॉस्ट, कंप्यूट प्राइम कॉस्ट, तो फिर आपको फॉर्मूलाज की शक्ल में काम करना है। और कैसे करना है, आइए अब मैं सवाल शुरू करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से आपको जरूर समझ आएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको फॉर्मूला सारे बता दिए हैं, सेल माइनस टोटल कॉस्ट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी हो सकता है। चलो क्लियर बताता हूँ जिसपे आप सबने आना है। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप सवाल पे मौजूद हैं? 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 यस लिख दें अगर आप मौजूद हैं। 14 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन
मेरा ख्याल अभी तक सवाल पे पहुंचे नहीं। अच्छा जी, पहुंचना शुरू हो गया। रिफर पहुंच गए। काशान, अरम, समी, अलीशा, मिनाल, शहरियार, रिमशा, सामिया, अली सुपान, बिस्मा गायें, हेमन भी पहुंच गई, बिस्मा भी पहुंच गई, अलैना भी पहुंच गई, वर्दा कहाँ है? वर्दा मीटिंग से आउट हो गई क्या? चले सभी पहुंच गए, तो बस अब बात शुरू करें। क्या ख्याल है ना? क्या नाम पढ़ पढ़ के सुनाने आपके? डिटरमाइन, मालूम करो। क्या मालूम करो? सबसे पहले बोलो क्या मालूम करो? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मालूम करनी आती है? बोलो सर नहीं आती। अरे नहीं आती तो क्या हुआ, अभी निकालना सीख जाएंगे? कोई मसले वाली बात थोड़ी है। एयर है 2014 प्राइवेट, ये लो। ये आ गए 2014 प्राइवेट, क्वेश्चन वन और फॉर्मेटिंग सही कर दूं जरा, नया पेज है। ओके, अब मैं कहता हूं कि भाई काशान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फॉर्मूला लिख के भेज दिया कि मुझे क्वेश्चन वन में सबसे पहले निकालनी है प्राइम कॉस्ट। मैं प्राइम कॉस्ट निकालना शुरू करने लगा हूँ, लेकिन मसला है कश्मीर क्या है पता है? मैंने लिखा प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिख दिया डी एम प्लस डी एल। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? जाइए सवाल पर और ढूंढ के बताइए मुझे ये दोनों दिए नहीं क्या? बताए डीएम की अमाउंट किसी को नजर आ रही है? नहीं। तो अब आप डीएम की अमाउंट मालूम करेंगे, आप चाहें तो यहाँ स्टेरिक बना दें, अमाउंट आएगी तो फिर अमाउंट लिख दीजिएगा, प्लस डीएल की अमाउंट दी हुई है सर। डीएल भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर में नहीं दी हुई बेटा। अरे मेरा बच्चा, no, क्या सर डायरेक्ट लेबर में नहीं दी हुई? नो सर। देख लो डायरेक्ट लेबर सर, जुल्म तो नहीं कर दिया? वे भाई मसला ये है कि तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता तो इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। और अगर तुम ये इल्जाम लगा दो आपने पढ़ाया नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अली सुफियान को मिल गई, वर्दा को मिल गई, बाकी पूरी क्लास मटेरियल की दी हुई है, लेबर की नहीं। अल्लाह अकबर, नई आ गई मार्केट में, बिल्कुल लेटेस्ट आई है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मटेरियल की लेबर दी हुई है, और किसकी लेबर नहीं दी हुई? अल्लाह माफ करे, ये बिल्कुल लेटेस्ट आई है ये। सर लेबर नहीं कहा मैंने। हाँ अच्छा, पता नहीं क्या कहा भाई तूने, जो भी कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरा बेटा, लेबर दी हुई है, सबको नजर आ गई है, मुबारक हो। अबे इकरा सिद्दीकी, अगर अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री या लेबर कहाँ होती है भाई? फैक्ट्री वेजेस दी हुई है सवाल में, क्या हो गया तुम सब लोगों को? फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट लेबर होती है भाई। फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह है। फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, प्रोडक्शन वेजेस याद ही नहीं रखते आप चाहते हैं हमेशा एग्जैक्ट नाम लिख लिख के बताता रहूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सारे जुमले याद रखे हैं, सारे मतलब एक ही शो कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। तो बता दो भाई अमाउंट कितनी है शुक्रिया के साथ यार? 60,000। 60,000 रुपए यहाँ लिख दिए, लेकिन अभी भी मैं फॉर्मूला कंप्यूट करने के काबिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या नहीं पता अभी तक, डायरेक्ट मटेरियल। ये अमाउंट जैसे नहीं निकाल लूंगा यहाँ लिख दूंगा, और फिर तो अब मैंने कहा चलो आओ मैं ये स्टेरिक को प्रेजेंट करता हूँ। स्टेरिक को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैं मालूम करूंगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मालूम करवाना आता है आप लोगों को? आप खुद मालूम करेंगे या मैं मालूम करके दिखाऊं? लोगों ने तो प्राइम कॉस्ट निकाल भी लिया, अभी तक हम तफरीह ही कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल ओपनिंग। मेरा ख्याल है छाप नहीं लूँ मैं कंप्यूटेशन कहीं से, सारी दोबारा करूँगा तो टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। इस सवाल में क्या क्या दिए, चलो कर ही लेता हूँ सवाल में, पता नहीं क्या क्या है। रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है भाई? रॉ मटेरियल ओपनिंग बताना। लोग जवाब निकाल चुके हैं जुबानी, मैं भी बोल दूं आप बोलें तो, या फिर लिख के दिखाऊं। 12,000 इसमें ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या क्या परचेजेस को नेट कह दूं? आप लोग बताओ,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को नेट कह दूं, सवाल में नेट पर जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है नहीं बोलूं। क्यों नेट परचेज क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि सवाल में मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर भी है, ट्रांसपोर्टेशन इन भी है। अच्छा, तो इसका मतलब है फॉर्मेटिंग मिलती जुलती हो रही है। अगर देखें तो उठा लेते हैं फॉर्मेटिंग ये वाली, क्या ख्याल है, है ना? चलो ये आ गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो वाली लाइन तो डिलीट कर दूं, डबल डबल हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है जनाबे अली? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 58,000। तो मैंने 58,000 लिखा, का इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा 12,000, दोनों को प्लस कर दिया 70,000। इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 10,000 रुपये। जब इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास जवाब आया 60,000 रुपये। 60,000 और 12,000 को ऐड करूंगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। किसी को समझ नहीं आया तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, पूछ लेना, मैं दावत दे दे के थक जाता हूँ। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज तक पहुंच गया, इसमें से क्या लेस करते थे बताओ? रॉ मटेरियल एंडिंग दिया हुआ सवाल में आज कितना है? 10,000। बस फिनिश हो गया। हम रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल निकाल चुके हैं 62,000 रुपए, हम ऊपर जाएंगे यहाँ जाके लिख देंगे 62,000। और प्लस डायरेक्ट लेबर के अमाउंट जो है 1,22,000, जिन्होंने जवाब दिया था मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मशहूर और ममनून हूँ कि वो 1,22,000 बहुत पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ आया सब लोगों को? प्राइम कॉस्ट का प्रेजेंटेशन समझ में आई? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे बताओ प्राइम कॉस्ट के बाद क्या फॉर्मूला मालूम करना है? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सर ये थोड़ा सा नीचे का दिखाएं। ये लीजिए, सही है? ओके, अब ऊपर चले, छोटा कर देता हूँ उसको, अब पूरा नजर आ रहा होगा। सही है जी, आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज क्या हमें क्या मालूम करना है? कन्वर्जन कॉस्ट एक मिनट।
जी मेरे बच्चों, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए डायरेक्ट लेबर और एफओएच पता होना चाहिए। डायरेक्ट कन्वर्जन, तो डायरेक्ट लेबर पता है और एफओएच पता है। सवाल में एफओएच दिया हुआ है लेकिन बिखरा हुआ है, अगर मैं गलत ना हूं। यही है, एफओएच है लेकिन बिखरा हुआ है ना, क्या ख्याल है? तो एफओएच को क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टेटमेंट बना के जॉट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं इसी में प्रेजेंटेशन दे देता हूं। मैंने यहां लिख दिया कन्वर्जन कॉस्ट में मैंने लिख दिया क्या लिख दिया, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी दी हुई है अभी आपने ऊपर भी बताई थी, जो कि सबको नजर नहीं आ रही थी, फैक्ट्री वेजेस के नाम से 60,000 रुपीज। लेकिन नहीं पता तो क्या, एफओएच स्टार बना दिया। अभी हम अमाउंट निकाल लेंगे नीचे और फिर उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो आप स्टैरिक लिख दो या एफओएच भी लिख दो स्टैरिक के आगे, ये हम मालूम करने लगे। पहला एफओएच का नाम, लोगों ने मुझे एफओएच का सम भेज दिया है, तो मैं एफओएच का सम यहाँ लिखने, नाम लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट अगर बोल दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, अच्छा है, जल्दी काम हो जाएगा। पहला एफओएच का आइटम है मेरे मुताबिक इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000। लिखूं क्या, सर टोटल एफओएच 43,000 है जी। 50,000 आ रहा है वैसे लोगों के पास, आपके पास 43 आ रहा है। अच्छा जी, तो ये तो क्या जी, पेपर में ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसीलिए तो मैं काम करके दिखा रहा हूँ भाई, वरना आपको पता है मैं तो काम नहीं करता। मैं काम करता ही तब हूँ जब मुझे ये फिक्र हो कि बच्चे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे। जी आप स्टेरिक भी लिख सकती हैं और आप यहाँ W1, W2, N1, N2, N3, N4 भी लिख सकती हैं, यानी नोट 1, वर्किंग 1, वर्किंग 2। तो पेपर चेक कर देखेगा, अच्छा यहाँ वर्किंग 1 देखनी है एफओएच की अमाउंट, तो वो वर्किंग 1 पढ़ लेगा आके। सही है, तो भाई पहला एफओएच का नाम है इनडायरेक्ट मटेरियल, मैं लिखने की कोशिश कर रहा था रह गया। इनडायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट है 12 में कितनी है, 5,000। फिर क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद, इनडायरेक्ट लेबर कितनी है 5,000 के बाद, 20,000। फिर क्या क्या है प्यारे बच्चों, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जो है वो क्यों लिखनी है, यूटिलिटीज के बारे में क्या बोल रहा है, यूटिलिटीज की अमाउंट है 12,000 और वो बोल रहा है 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का आप क्या करो, 2/3 यूज बाय फैक्ट्री, यानी अगर 12,000 के कितने से करो 3, तो 3 में से 2 हिस्से इस्तेमाल करती है फैक्ट्री, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यानी 8,000 रुपये फैक्ट्री का खर्चा है मेरे मुताबिक। आप कैलकुलेटर चला के देख लें, 8,000 जवाब आ रहा है अगर मैं गलत ना हूँ, चेक कर लें सर। इसके बाद यूटिलिटीज के बाद यस सर 8,000 आ रहे हैं। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन की अमाउंट है कितनी, 7,000 रुपये। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन के बाद है अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, और उसकी अमाउंट है 10,000 रुपये। अदर इनडायरेक्ट के बाद क्या है, जनरल ऑफिस, ऑफिस क्या है, डिलीवरी एक्सपेंस, सेलिंग एंड मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, जनरल एंड एडमिन है, सेल्स सैलरी, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस है। इसका मतलब है सारे एफओएच हो गए, हमने इन्हें कर लिया प्लस, ये आ गया हमारा टोटल जी प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा टोटल एफओएच।
अल्लाह अकबर। अब मैं इसको ना प्लेस कर सकता हूँ। और मेरी कन्वर्जन कॉस्ट ₹1,10,000 आ चुकी है। कोई एतराज है आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। कन्वर्जन कॉस्ट के बाद क्या मालूम करना है बताएंगे आप मुझे? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालना आसान है या मुश्किल, ये आप डिसाइड करें। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप सब फैक्ट्री कॉस्ट निकालें फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट निकालें सब बच्चे। सब बच्चे फैक्ट्री कॉस्ट निकालें, 2 मिनट का वक्त है आपके पास। हाँ बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? GM प्लस DL प्लस FOH और प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग इफ गिवन। इसको ब्रैकेट में डाल के बोल देता हूँ, प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग इफ गिवन। सही है। तो अब सवाल में देखो। अच्छा, कोई बोले सर अगर मैं ऐसे ना करूं, प्राइम कॉस्ट में FOH प्लस कर लूं, मैं कहूंगा मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस सवाल में क्या निकाली हुई है? प्राइम कॉस्ट। अगर नहीं निकाली हुई होती तो फिर अलग अलग चलना पड़ता। तो मैं प्राइम कॉस्ट 1/22 ले लेता हूँ, क्या ख्याल है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट 1,22,000 जमा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, FOH आ गया कितना 50,000 प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग होना है। अब वो आप मुझे बता दें WIP ओपनिंग कितनी है? है सवाल में WIP ओपनिंग? सर है 25,000 प्लस प्लस 25,000 माइनस एंडिंग बताओ बेटा 27,000। ₹1,70,000 फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है। इसे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास भी यही है। चलो अब बताओ और क्या करना है। अगला फॉर्मूला पढ़े, आसान है। फॉर्मूला किस चीज का है बच्चों? अगला प्रोडक्शन कॉस्ट का नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला गायब है, बल्कि क्या है? डायरेक्ट टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए बता दो। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको? सर सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमें पता नहीं, तो फिर अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालें बताओ। सर हमें पहले प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट ये रही मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, प्रोडक्ट कॉस्ट ये रही आपके सामने। सही है? यस सर। बस इसमें पहले एक बार जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, फिर एक बार सेलिंग एंड मार्केटिंग को प्लस कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा जर्नल एंड वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा। सही है? यस सर।
तो आप लोग शुरू कर रहे हैं टोटल कॉस्ट निकालना, फिर मैं शुरू करता हूँ। जी प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है टोटल कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो नहीं पता ना। और हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए ये फैक्ट्री कॉस्ट उठाओ और इसमें जर्नल एंड एडमिन ऐड करो तो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, फिर उसमें प्लस करो सेलिंग एंड मार्केटिंग तो फिर जाके आपको पता चलेगी क्या पता चलेगी आपकी टोटल कॉस्ट। लेकिन एक चीज और देखनी है क्या, अगर सवाल में दिया हुआ फिनिश गुड्स ओपनिंग और फिनिश गुड्स एंडिंग तो उसे प्लस माइनस करना है, लेकिन मुझे लगता है कि फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग नहीं है सवाल में, आप भी चेक कर लें। सामिया ने तो आंसर शेयर कर दिया। फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग नहीं है, इसका मतलब है बस आपने सिंपल काम किया होगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीएम प्लस जीएल प्लस प्लस, यार ये पूरे लिख दो, अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्मूला ब्रेक कर करके दिखाऊं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस मैं कहता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं पता तो प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है, फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जर्नल एंड एक्सपेंस, और इसमें प्लस करते हैं अगर क्या दिया हुआ फिनिश गुड्स ओपनिंग माइनस फिनिश गुड्स एंडिंग। ठीक है, टोटल कॉस्ट लोग निकाल चुके हैं और मैं अभी तक सिर्फ फॉर्मूले ही समझा रहा हूँ लोगों को, ये हैं हमारे जहीन लोग। चलो तो 170,000 रुपए थी अगर मैं गलत ना हूं प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस सेलिंग एंड मार्केटिंग के खर्चे तो आपको मैं बताता हूँ नाम लेकर, फिर आप उन्हें प्लस कर लेना। सही है, एक मिनट रुको।
जी जनाब अली, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो 1,70,000 मुझे बता दी लोगों ने। सेलिंग एंड मार्केटिंग के मैं नाम ले रहा हूँ, प्लीज जरा सेलिंग एंड मार्केटिंग के नाम देख लें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सेलिंग एंड मार्केटिंग के नाम क्या क्या है? मेरे मुताबिक पहला नाम है डिलीवरी एक्सपेंस, दूसरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5 और 15 20, सेल सैलरीज 12,000, 32,000 रुपए के, 32,000 रुपए के सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस हैं। ठीक है, और मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट गलत दिखवाइए, मुझे लग रहा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जनरल एंड एडमिन है, और फैक्ट्री कॉस्ट 1,70 थी, तो अभी मैं इसको सही करता हूँ, रुक जाए, फैक्ट्री कॉस्ट थी 1,70, 1,70,000 जमा जर्नल एंड एडमिन के नाम, सुनिएगा क्या क्या है। जर्नल एंड एडमिन में मेरे मुताबिक सबसे पहला खर्चा जो है वो है यूटिलिटीज का 1/3 फैक्ट्री का 4,000 रुपये, फिर 4,000 के बाद जर्नल ऑफिस सैलरीज है 28,000, 32,000 हो गया, 32,000 ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 6,000, 38,000 हो गया, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000, 41,000 रुपीज। कोई एतराज है तो फौरन एतराज कर लें, बेहतरी इसी में। सर यूटिलिटी तो पहले ले लिया था हमने, वो 2/3 लिया था, 1/3 बाकी है, 12,000 में से 2 हिस्से ऊपर लिए थे, एक हिस्सा बाकी था। 2/3 फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो 1/3 ऑफिस में इस्तेमाल होता है, सही है। उसने कहा था 3 हिस्से करो यूटिलिटीज के, 3 में से 2 हिस्से फैक्ट्री में है, तो एक हिस्सा यकीनन ऑफिस में है, तो ऑफिस में मैंने 4,000 रुपये लिखे हैं, एतराज। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ये 2,11,000 ये आया, 2,11,000, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,11,000, इस जगह 2,11,000 जमा 32,000, और फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग नहीं है, तो बस इन दोनों को प्लस कर दिया, 2,11,000 जमा 32,000, 2,43,000 करेक्ट आंसर है। ओके, मेरे मुताबिक कंप्लीट हो गया, और बस कुछ भी नहीं करना, सवाल ही कंप्लीट हो गया माशाल्लाह 20 नंबर का, और कुछ भी नहीं है सवाल में, आप बताएं। 5 मिनट रह गए मेरे पास, तो अब आप लोग जो है इस तरह के सवाल अटेम्प्ट करें अपने घर पर, इस तरह के मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी बताऊं, अगर अभी बता सकूं, वरना आप फाइबर में खुद ढूंढेंगे। और कैसे सवाल अटेम्प्ट करेंगे, जिस सवाल में उसने प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, और इसी तरह क्या कहते हैं आपका फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए ये सवाल आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करता हूँ एक आध दो सवाल 5 मिनट में बता सकूँ तो बता दूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लें। कुछ पूछना है प्यारे बच्चों तो पूछ लें बेफिक्र होके, मैं सवाल भी ढूंढ रहा हूँ साथ साथ, ताकि मैं आपको सवाल बता सकूँ और आप घरों पर अपने वो काम करें। अच्छा जी, तो अब हमें एडजस्टमेंट वाले सवाल की तरफ जाना है, जाएंगे इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, जाना 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 2009 में भी एसएच कर चुके हैं, 2009 2 से 3 सवाल आए हैं, वरदा ने बताया 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लें अपने पास, वरदा ने बताया 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, ये नोट कर लें अपने पास, मैं और ढूंढ रहा हूँ, मुझे जैसे मिलता है मैं भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, नोट कर ले पूरी क्लास, ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, 17 क्वेश्चन नंबर 1, और जनाब 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 देखें, कभी कभी ऐसा होता है, इतनी अच्छी लग काम करती है आपकी। खैर कल सैटरडे, कल भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1998 का क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, 1998 है ही नहीं मेरी फाइबर में मैडम, क्या करूं, आप मुझे बता दें उसमें क्या है। 2006 रेगुलर के सवाल को भी आपने करना है, और इसमें आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, लेकिन आपने क्लासिफाई करके निकालनी है, नोट कर लें, टाइम 2 मिनट रह गया, 3 मिनट, नोट करें। 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2,
नोट कर लें, फिर कह रहा हूँ 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर टू सुन लिया, 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर टू। इस सवाल में आपने, सवाल में रिक्वायर्ड में प्राइम और क्या कहते हैं कन्वर्जन ये सब ने लिखा, उसने लिखा है क्लासिफाई द अबव एक्सपेंसेस अंडर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शोइंग सेपरेटली द टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके साथ डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर लिख के कन्वर्जन कॉस्ट लिखेंगे, सॉरी प्राइम कॉस्ट सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे, फिर उसके साथ डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट लिखेंगे, फिर आप उसमें कन्वर्जन एफओएच ऐड करके आप उसमें लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सीजीएम, फिर आप उसमें जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर आप उसमें लिखेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग, तो टोटल कॉस्ट आएगी। यानी आपने टोटल कॉस्ट तक निकाल के दिखाना है, लेकिन हर चीज़ को अलग अलग। 2002 भी देख लेता हूँ, रुक जाओ। अच्छा तो ये एक सवाल बातों बातों में जल्दी से ये बता दिया, दूसरा सवाल वक्त ख़त्म होने को है, मैं जल्दी जल्दी देखना चाह रहा हूँ। सर टोटल एक्सपेंडिचर से मतलब टोटल कॉस्ट है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उसको सिर्फ टोटल कॉस्ट निकाल के नहीं दिखानी है अमरीना, वो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं लाइक प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब निकालते हुए टोटल निकालनी है। सही है। अच्छा अभी 2004 में भी, चार में भी नहीं है, बस तो ठीक है 2002 देख लेता हूँ थोड़ा, आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद मीटिंग नहीं कर रहे, आप ये काम कर लीजिएगा। 2002 रेगुलर प्राइवेट के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, वो मैं पढ़ाऊंगा रिफत, 2002 रेगुलर एडजस्टमेंट वाला सवाल है वो मैं पढ़ाऊंगा। 98 मेरे पास है नहीं मिनल, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, डिस्कस कर लूंगा, अगर जरूरी होगा तो पूरी क्लास को बता दूंगा। बस और कोई सवाल नहीं है, चिल करें आप लोग, एंजॉय करें, कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह मेरी साइड से, फिर हमारे लग 2002 बता दिया मैंने आपको बेटा रिफत, कि 2002 मैं करवाऊंगा। सही है जी, और 98 मेरे पास है नहीं, वरना मैं बता देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर हमारे सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।